और हमारा नोजल बड़ा है, ध्यान रखना इतने बड़े नोजल में नहीं निकालने हैं, हमें 6 ml का नोजल यूज करना है और हम कॉम्पोनेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा एयर और सब कुछ नोजल कॉम्पोनेंट पर जाए, आस पास में नहीं, तो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो रीजन ये है। ये देखो एयर बड़ा ही निकल गया, ध्यान रखना हीट और एयर दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। ये अकेले का क्लियर है कि पूरी क्लास का क्लियर है? क्लास का क्लियर है ना भाई? यस सर। किसी चीज में कोई फंसेगा तो नहीं? यस सर। कैसे चेक आइडेंटिटी की? कैसे चेक करते हैं, कैसे उसका फॉल्ट निकलता है, कैसे वो फॉल्ट को पहचानेंगे, अगर फॉल्ट होगा तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, सब चीज बताएगी। सर ने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि पूरा प्रैक्टिकल सर बताए, फिर शाम में आप बताएं, पूरा सब कुछ क्लियर कर दें। कल हमारी काय की क्लास है? 4G पावर लाइव की आईसी, हम आईसी निकालेंगे और वापस लगाएंगे, हैंडसेट को चालू, हैंडसेट को वापस चालू करेंगे। कौन कौन करेगा? सब करेंगे सर, सब करेंगे। का बैच और ये है सेकंड डे। एक बार मैं क्लास को दिखाना चाहूंगा, किस किस ने सीपीयू रिमोल किए बताइए। यूनिवर्सल से किए या? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात आज कॉम्पिटेटिव की क्लास चल रही है और बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आज हमने डायोड इनको बता रहे हैं, अब उसके बाद हम इनको कॉइल बताएंगे, बहुत डीपली लेवल पे है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर ऐसा सही है कि नहीं सही है? ये कोई YouTube वाला ज्ञान तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं है। और ध्यान रखना इसे टेलीकॉम में बेच लाइव है भाई। यस सर। कौन कौन लाइव है इसके अंदर, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सभी लाइव है। सर अच्छा ये बताओ मेरे को, आज हमारी क्लास कौन सी क्लास थी हमारी सवेरे? सीपीयू रिवॉल्विंग। हमने कौन सी स्टेंसिल से की? हमने यूनिवर्सल से। जो जो हमारी आईसी यूनिवर्सल से हो सकती है वो हमने सब की आईसी। अच्छा ये बताइए किसने की? कहाँ से आप? बिहार से सर। बिहार से, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। अच्छा इसके पहले कर पाते थे आप? नहीं सर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पप्पू कुमार चौधरी। पप्पू कुमार चौधरी, अभी क्या है तुम्हारे हाथ में? सीपीयू आईसी। सीपीयू है, कौन सा सीपीयू है ये? डबल टेकर का सीपीयू है भाई। ये इन्होंने ही किया है क्या? हाँ। यस सर। इन्होंने ही किया है, कोई फर्जी तो नहीं बता रहे ये? नहीं सर। ठीक है, आज आपने कितनी बार की क्लास में सीपीयू, कितनी बार किया आपने? 3 बार। आपने कितनी बार किया? 7 बार। आपने कितनी बार किया? 7 times। आपने कितनी बार किया? 4 बार। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जिसने एक बार भी नहीं किया हो? नहीं सर। कोई भी है ऐसा? नहीं सर। कल हमारी काय की क्लास है? 4G पावर लाइव की आईसी, हम आईसी निकालेंगे और वापस लगाएंगे, हैंडसेट को चालू, हैंडसेट को वापस चालू करेंगे। कौन कौन करेगा? सब करेंगे। कितनी बजे क्लास है हमारी? सब 8 बजे। कब तक चलेगी हमारी क्लास? 8 बजे रात तक। 8 बजे रात तक। अभी समय क्या हो रहा है? 8:20। कोई टाइम का फाउंडेशन है यहाँ पे? अच्छा पहले अभी इसके पहले आपने इतना हार्ड वर्क करा है क्या? नहीं सर। अभी इसके बाद जाके क्या करोगे तुम हॉस्टल में? होमवर्क करना है सर, शेयर करना है। कल कितनी बजे रात को सोए थे आप? 2 बजे। आप कितनी बजे रात को सोए थे? 2 बजे। और आप? 4 बजे सर। 4 बजे सोए थे। आपकी दोपहर में किनके साथ क्लास थी? देवरत्न सर के साथ में। क्या क्लास थी आपकी? कंपोनेंट की। तो आपने डिप्ली में समझा कंपोनेंट? यस सर। बात करें रजिस्टर की? यस सर। रजिस्टर, डायोड सर, कैपेसिटर, और सर कैपेसिटर, कॉइल, कॉइल सर, जो बुश कॉइल, सीरीज में पैरेलल, सब पैरेलल, सीरीज भी मालूम हो गया आपको, पैरेलल भी मालूम हो गया, कोल्ड टेस्टिंग भी मालूम हो गई आपको, हार्ट टेस्टिंग भी मालूम हो गई, पीसीबी के अंदर क्या रीडिंग होने वाली है, पीसीबी के बाहर क्या रीडिंग होने वाली है, सारी मालूम है। अच्छा ऐसा फंडामेंटल क्लियर हो गया? पूरा फंडामेंटल क्लियर है? फंडामेंटल। अच्छा ये अकेले का क्लियर है कि पूरी क्लास का क्लियर है? क्लास का क्लियर है ना भाई? यस सर। किसी चीज में कोई फंसेगा तो नहीं? नहीं सर। कैसे चेक आइडेंटिटी की? कैसे चेक करते हैं, कैसे उसका फॉल्ट निकलता है, कैसे वो फॉल्ट को पहचानेंगे, अगर फॉल्ट होगा तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, सब चीज बताएगी। सर ने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि पूरा प्रैक्टिकल सर बताएं, फिर शाम में आप बताएं, पूरा सब कुछ क्लियर कर दें। पूरा सब कुछ क्लियर है फंडामेंटल। बात करें मल्टीमीटर की रीडिंग की, अपन रीडिंग ले सकते हैं हर चीज की। यस सर। डायरेक्ट हम कंपोनेंट को भी चेक कर सकते हैं और कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग के तरीके से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। हॉट टेस्टिंग अभी हमारी चालू हुई नहीं है, बाकी तरीका आ गया है हमको। तो ये बताओ आज का आपका सफर कैसा रहा, आपका दिन भर का? बहुत बढ़िया। क्या चीज अच्छी लगी आपको ऐसे डेली काम में? पढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट लगा हमको। तो मतलब सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं कि मतलब कुछ तो भी कहीं से भी चालू कर रहे हैं? सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं। सीरियल वाइज। थोड़ा आप बोलिए।
कैसा पढ़ा रहा है कमल यहाँ पर? कमल सोनी बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, जो कि दो दिन में बहुत अच्छा से समझ पाए। अच्छा, अभी जो जितना भी हमने हुआ है, जो हमारी रिबोलिंग की क्लास और कंपोनेंट की क्लास हुई है, एक एक बच्चे की क्लियर हुई कि नहीं हुई है? यस सर। अब हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। सबकी क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। और आपका अनुभव कैसा रहा अभी देव सर के साथ में, मतलब जो उन्होंने आपको सिखाया, आज सिखाया, तो कंपोनेंट की जो मीनिंग बताई आपको, कैसा अनुभव रहा? मतलब जो आपने वीडियो में देखा था वो रियलिटी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जो आप घर से सोच के आए थे, है ना, और आपको बोला था 3 दिन हम आपसे मेहनत कराएंगे, तो लग रहा है आपको वाकई में मेहनत कराएंगे? यस सर। चलिए ठीक है, कल हमारी लाइव 4G की क्लास है, कल कब आएंगे आप? 8 बजे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारी मॉर्निंग का बैच जो सवेरे 8 बजे लगता है। अब देखिए 7 बजे स्टूडेंट नहा धो के पहुंच जाते हैं, 7:30 बजे, 7:45 बजे तक, और टीचर्स जो हमारे या हमारे स्टाफ की बात करें वो हमारा 7:30 बजे ही पहुंच जाता है और तैयारी कर लेता है कि स्टूडेंट आए तो डायरेक्ट सेटअप पर बैठे हैं और उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। आप देखिए कि हर एक के पास में एक उनका खुद का सेटअप है जो कि ऐसे टेलीकॉम यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब वो टूल्स और असेंबली की बात करें तो छोटी असेंबली से लेकर हर तरह की असेंबली हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है, वो भली 1.6.1 से लेकर एक क्विक की एक असेंबली क्यों ना हो। और आप देखिए कि जो स्टूडेंट है यहाँ पर, आज जो हमारी है वो CPU की क्लास है। CPU की क्लास आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट यहाँ पर एक यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों जैसे होता है ना कि आप कहीं पे अगर गए भी होंगे या आपने कभी किया भी होगा, तो आपने ना पर्टिकुलर स्टेंसिल्स परचेस की होगी, और आपने एक स्टेंसिल्स नहीं, ऐसे हज़ारों स्टेंसिल पर परचेस की होगी, और ऐसे हज़ारों स्टेंसिल पे आपने अपना पैसा बर्बाद किया होगा। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते और अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग या अच्छी ट्रिक मिलती तो आप यूनिवर्सल से ही बनाते हैं, बना पाते। तो कहने की बात यह है कि अगर हमको पता चल जाए प्रॉपर ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो हम यूनिवर्सल से ही अपना CPU भी रिबॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे CPU की स्टेंसिल्स भी नहीं आती है और बहुत सारे टेक्नीशियन फिर उनको तो छोड़ ही देते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। अब हर तरह का CPU दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डबल डेकर के सैमसंग के, हमने इनको आज डबल डेकर के सैमसंग के भी CPU दिए हैं, और जिन्होंने इन्होंने बहुत ही अच्छे बाखूबी से इन्होंने रिबॉल किए। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप प्रैक्टिकली क्लास, जिसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लाइव एक छोटे सा डायोड, बहुत ही स्मॉल डायोड को निकाल रहा है। अब ये डायोड का नाम नहीं बोलूँगा, बहुत से लोग ने तो ये वीडियो में कॉपी कर लेंगे। दोस्तों डायोड को लाइव टेस्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं फ़ोन को निकाल के, और उसको हम बता रहे हैं कि डायोड से वो नहीं है जो आप YouTube में समझ रहे हैं, कंपोनेंट से वो नहीं है जो आप YouTube में समझ रहे हैं कि एक जगह रीडिंग आती है एक जगह रीडिंग आती है, ये बिल्कुल गलत बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी की डेट में दोस्तों इतने लेटेस्ट कॉम्पोनेंट आ गए हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं कि किसी बोर्ड में, आप जिस बोर्ड में काम करने के बारे में सोच रहे हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आपको पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारी जगह पे तो वो एक येलो कलर के मल्टीमीटर से पढ़ाते हैं 100 रुपये के, तो आप समझिए 100 रुपये के मल्टीमीटर से आप क्या सीखेंगे। 100 रुपये के मल्टीमीटर से दोस्तों मैं यही समझ रहा हूँ कि आप क्या सीखेंगे, तो कुछ नहीं सीख पाएंगे अगर आप 100 रुपये के मल्टीमीटर की बात करें तो, क्योंकि जब 100 रुपये का ज्ञान, 100 रुपये का मल्टीमीटर, वो तो ठीक तरीके से आपके कॉम्पोनेंट भी चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी, मतलब अगर मैं बात करूँ कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो आपके कॉम्पोनेंट के कैपेबल ही नहीं है। तो एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए एक एक्सपर्ट के होने की बहुत ज़रूरत है, और एक एक्सपर्ट एक ऐसा फील्ड में जिसने खुद लाइव प्रैक्टिकल वर्क किया हो, जो हम आप तो जानते ही हैं कि हम बाहर से भी कूरियर एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास में कितने कूरियर आते हैं, कितने वीडियो ही हमने बना के रखे हुए हैं, वो चाहे डुअल डेकर से हो या किसी भी एक मोबाइल का हो, एंड्रॉयड का हो या आईफोन का हो, कितने सारे वीडियो हमने बना के रखे हैं, या एक लाइव टेस्टिंग हम कर रहे हैं, और कोई भी एक कंपोनेंट हम छोटे नहीं हैं, हर एक कंपोनेंट के बारे में हम डिटेलिंग से बताते हैं, और यही हमारा फंडा रहता है कि, और बेसिकली हर कंपोनेंट को डिटेलिंग से बताने का मतलब ये होता है, सिर्फ ये वर्किंग टेस्टिंग हम तो ये भी बताते हैं कि लगा क्यों है, लगा कैसे है, और ये भी बताएंगे कि अगर निकला तो भी क्या होगा और क्या हो सकता है, और उसकी जगह कैसे हम क्या लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो हम बता रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये आप भी जानिए और आप सही तरीके से वर्किंग कीजिए, और एक बार नहीं की है, हमने कोशिश की है कि उनको जितना ज़्यादा बार हो सके वो रिबॉल करें और अपना कॉन्फिडेंस और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। ये सिर्फ दूसरे दिन का आउटपुट है,
आप देखेंगे कि पहले दिन और दूसरे दिन में इनकी जो स्किल है वो उभर के आई है और इनकी रिबॉलिंग का जो इनको नज़रिया है वो इनका चेंज हुआ है। जो पहले से ये रिबॉलिंग करते आ रहे थे, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन इसमें ऑलरेडी आप मानेंगे नहीं कि 5-10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के टेक्नीशियन यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ फ्रेशर्स भी हैं, कुछ 2 महीने, कुछ 3 महीने या कुछ 10 महीने। और दोस्तों एक्सपीरियंस बेसिकली एक गलत फहमी होती है लोगों में कि उनको लगता है कि सर हाँ मैं मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप में काम तो करता हूँ, पर एक्सपीरियंस वो अपना कनेक्टर बदलने या जनरली वो दुकान पर बैठने या सेलिंग वेलिंग का भी एक्सपीरियंस वो अपना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। बट ठीक है, देखा जाए तो एक एक्सपीरियंस तो होता ही है। बहुत सारे टेक्नीशियन छोटी छोटी आईसीओ पे काम करके आते हैं पर सीपीयू में फंसते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस कहीं ना कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से होकर आते हैं तो आधे अधूरे नॉलेज में फंसते हैं। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, इंडिया के कोने कोने से आते हैं। अब इंडिया के अगर हम बात करें हरियाणा, JNK, मद्रास, साउथ से लेकर कश्मीर तक सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से, नेपाल से, अगर मैं सऊदी की बात करूँ वहाँ से, तो अभी तो फिलहाल COVID-19 चल रहा है बट अभी नेपाल से भी काफ़ी स्टूडेंट आते हैं हमारे पास। तो आप भी ज्वाइन कीजिए अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में है ना दोस्तों, जितना आप डेट करोगे ना उतने ही ये समझो कि आप अपने काम से दूर हो गए। अगर ये काम से प्यार करता है, अगर लगता है कि यार ये काम आप कर लोगे और ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, जॉब ये आपका हार्ड वर्क, ये तो वर्क ओरिएंटेड बिजनेस है। देखो दोस्तों, जॉब ओरिएंटेड नहीं बोलूँगा मैं इसको, वर्क ओरिएंटेड बोलूँगा। जॉब ओरिएंटेड होता है जिसमें आप जॉब पाते हैं, ये तो आपका खुद का सेल्फ है, आप अपना काम करो सेल्फ का। आप अगर दिन का एक मोबाइल भी बनाते हो ना तो आज की डेट में तो मतलब उसकी कमाई बहुत है। तो शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है दोस्तों, तो ये शुरुआत आप बिल्कुल कर सकते हैं एसे टेलीकॉम में आकर आप अपना जो फ्यूचर है वो बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या क्या काम किया सर? मैं लाइव पावर आईसी किया, सीपीओ किया। जब सीपीओ किया तो एक अंदर आए मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है, इन्हें सीपीयू करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ, हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आईसी और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेकर। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर यहाँ पे, जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, लाइव क्या किया आपने? या सर, लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर आईसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया? सर डबल डेकर किया था। डबल मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगा, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर। डबल डेकर जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गया? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज, लास्ट डे डबल डेकर करके गया। बताओ कि लाइव क्या करके गया? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब डुअल टेकर पर वर्क किया। क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर, आपने तो 3 टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे ब्लैक पेस्टर्ड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाइए आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? डुअल टेकर। डुअल टेकर पर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया, EMC है, EMC लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया, टोटल लगाया। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर की। तो आखिरी दिन क्या किया आपने? डुअल टेकर। डुअल टेकर बढ़िया तरीके से। Yes, सर, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। और
इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Destro.